अब यहाँ पे भाई आईक्यू नियो 7 वाली 35,000 लेके भाई स्कैम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो तो गेम प्ले खेलने के बाद पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यार टैग तो नहीं है आपका भाई, लेकिन भाई आप लोगों के कहने पे फाइनली मैंने आईक्यू नियो 7 प्रो बाय कर ही लिया। अपने इतने पैसे मैंने पानी में डाल दिए जो कि मैंने जितने कमाए थे, मतलब कमाए जो भी है ठीक है, बस YT के पैसों से किया है। तो सबसे पहले तो यार आप लोगों का थैंक यू सो मच, मैंने एक फाइनली एक चीज़ परचेज कर पाया हूँ जो कि अपने पैसों से मैंने घर वालों से नहीं मांगे। खैर अपन वो सब यहाँ पे छोड़ते हैं, बात करते हैं इस वाली डिवाइस की कि भाई इस वाली डिवाइस का इतना ज़्यादा हाइप बना रखा था और इतना ज़्यादा हाइप होना भी चाहिए क्योंकि भाई इस डिवाइस का इतना तगड़ा प्रोसेसर है इस रेंज के अंदर, स्नैपड्रैगन का 8+ Gen 1 भाई क्या ही प्रोसेसर है। मैंने तो सुना ही था और भाई जब मैंने गेम खेला था तो भाई सच बता रहा हूँ 90 FPS के अंदर खेला और उसके बाद मैंने क्या बोलते हैं HDR के अंदर खेला। भाई जो HDR के अंदर जहाँ जहाँ पे फ्रेम ड्रॉप होते हैं वो मैं सब आपको दिखाऊंगा, मैंने दोनों गेम प्ले रिकॉर्ड करके रखे हैं। फिलहाल देखो मैंने ये डिवाइस इसीलिए लिया क्योंकि आप लोगों की बहुत डिमांड थी। लेकिन उससे पहले देखो अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया अपने चैनल को तो फटाफट से यार देखो सब्सक्राइब कर लेना, एक हिस्सा बन जाना अपनी फैमिली का, सैमनिया गेमिंग का सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन अपने BGMI की। तो इसके अंदर सबसे पहले लॉगिन कितनी देर के अंदर होता है, तो पहले मैं आपको इसको साइन अप करता हूँ और इसके बाद इसमें लॉगिन करता हूँ। अब देखो कितनी देर में लॉगिन होता है, मैं आपके सामने रख दिया। अब यहाँ पे ये नॉर्मली देखो मेरे डिवाइस IQ Neo 6 से हल्का फुल्का 19-20 का अंतर होगा, ये 1 सेकंड जल्दी खुल गया होगा, बट कोई नहीं सिमिलर था। अब बात करते हैं इसके यहाँ पे ग्राफिक्स की। ग्राफिक्स देखो आपको स्मूथ में 60 FPS ही मिलेगा फिलहाल क्योंकि BGMI का अपडेट अभी नहीं आया है। कोई भी डिवाइस हो सब में आपको 60 FPS ही मिलेगा, 90 FPS आएगा बट BGMI के बाद में, अपन उस पर भी खेलेंगे। और यहाँ पे HDR मिलेगा और HD मिलेगा और HDR में भाई 60 FPS भी मिलेगा, उसमें नो डाउट मैं आपको गेम प्ले खेल के दिखाऊंगा। फिलहाल ये अभी पता नहीं कौन सी आईडी, हाँ ये मेरी दूसरी आईडी लॉगिन है, मैं भी ट्विटर वाली इसमें लॉगिन करता हूँ और उसके बाद आपको गेम प्ले भी दिखाऊंगा इसके अंदर। लेकिन मैं आपको इसमें कुछ सेटिंग दिखा देना चाहता हूँ मेरी। ये देखो ये सारे मैं इसमें गेमिंग मोड वगैरह अपने सब कुछ ऑन करके रखता हूँ और भाई इस ये सब ऑन करने के बाद तो डिवाइस तगड़ा ही चलेगा। अब मैं आपको इसमें जाके सेटिंग भी दिखा देता हूँ इसकी कि इसमें क्या क्या सब चीज़ें। अब अबाउट के अंदर जाता हूँ तो ये देखो एंड्रॉयड 13 का अपडेट है और अपना ये सब देख ही सकते हो आप, जो भी है सब पूरा यही है आपके सामने। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें गेम प्ले। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा 60 FPS, 90 FPS तो बाद में आएगा। तो चलिए चलते हैं। तो ये पहला गेम प्ले अपना होता है स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे और सेकंड गेम प्ले अपना HDR प्लस एक्सट्रीम पे होता है, वो भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल देखो मैं यहाँ पे नूसा इसलिए खेल रहा हूँ क्योंकि नूसा के अंदर हॉट ड्रॉप पे इतने बंदे आते हैं, असली औकात फोन की यही पता चलती है। अब सबसे पहला मैं स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे खेल रहा हूँ, ये वाला देखना इसमें भी भाई इतने सारे बंदे आते हैं, तो देखना मैं कैसे पिटाई लगाता हूँ या कैसे मैं पिटता हूँ। अब यहाँ पे उतरता हूँ हॉट ड्रॉप पे और आसपास आते हैं ढेर सारे बंदे, तो देखो कैसे निपटाता हूँ, देखो बस। अब बहस की आग, यहाँ पे इतने बंदे आ जाते हैं, इतना गन साउंड होता है कि भाई मैं यहाँ पे वॉइस ओवर तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि भाई यहाँ पे फाइट ही इतनी होगी, इतने बंदे आएंगे, देखना बस कैसे सरवाइव करता हूँ। और रिफ्लेक्स एक्सेस देखना आपकी भाई के मजा आ जाएगा, देखो बस। अब आपने अभी रिफ्लेक्स देखा ही होगा मेरा, मैं कितना तगड़ा रिफ्लेक्स था, दोबारा रिकॉल होकर आ गया, इतना तगड़ा रिफ्लेक्स था। अब यहाँ पे और बंदे होते हैं, देखो बस अब इन बंदों को कैसे लपेटता हूँ। अब जैसे ही यहाँ पे इस बंदे को मारता हूँ तभी भाई आगे की साइड से कुछ साउंड आने लग जाते हैं क्योंकि आगे बंदे होते हैं ओबियसली, तो भाई चलते हैं और भाई वहाँ पे देखना रिफ्लेक्स तो आपको मजा आ जाएगा, तो सीधा चलते हैं बंदों पे। अब मैं यहाँ पे आके TPP ले ही रहा होता हूँ तभी मुझे साउंड आता है लेफ्ट से, चलो बेटा इसको नॉक करता हूँ। अब इसका एक बंदा अंदर पे है तो सबसे पहले इसको फिनिश कर देता हूँ। अब इसका एक बंदा अंदर है तो उसको घुस के पेलूंगा और रिफ्लेक्स देखना अब ये वाले। आप
रुको जरा, सबर करो, अभी तो बहुत कुछ बाकी है भाई, बहुत बंदे आएंगे और देखो बस। नीचे से फोन आ रहा ही है। Watch out! अब यहाँ पे इसको फिनिश करने के बाद बाहर से दो तीन बंदों के साउंड आते हैं, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और नीचे कूदता हूँ। चलो बेटा, अब मैं इधर ऊपर आता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक बंदा होता है जो कि मुझे लग रहा था अंदर है, लेकिन वो होता किधर की साइड है देखना, मेरा टीममेट भी उसको ढूंढ रहा है, देखना क्या होता है। एक बोट आता है, इसको मारता हूँ और अब ये देखो भाई साहब, क्या ही भाई, यहाँ पे कैंपिंग कर रहा था बंदा, अगर मैं यहाँ पे होता तो भाई दोनों को लपेट लेता, पता भी नहीं चलता। फिलहाल देखो इसको मारते हैं अपने नॉक के लिए, यहाँ पे हो जाते हैं। अब यहाँ पे लग रहा था कि मेरे को कोई नहीं बचा, फिलहाल यहाँ पे देखना दो बंदे और बचे होते हैं। अब जैसे यहाँ पे रिवाइव करता हूँ जोन भी आ जाता है, तो मैं जोन के अंदर निकलता हूँ। अब जैसे कि आपको फुटप्रिंट फुट साउंड दोनों आ रहे होंगे, बंदे ऊपर है भाई, बंदे नीचे आने का नाम ही नहीं लेते। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि रश करें, नहीं करते। अब देखना इनको कौन सी ट्रिक लगा के मारता हूँ, देखो बस। अब मैं बाहर जाके बस बंदों को देख ही रहता हूँ कि बंदे किधर किधर है, बट यहाँ पे मेरे पास नेड नहीं होता और यहाँ पे इतने में टीममेट बोलता है मेरे पास नेड है। अब यहाँ पे क्या होता है, मैं हमेशा अपने टीममेट को बोलता हूँ तू फायर कर, मैं नेड करूंगा, क्योंकि ये ट्रिक बहुत बेस्ट है। और ये देखो बूम। अब भाई मैं जब नेड की पिन किया था ना, तब बंदा इस जस्ट ऊपर वाली जगह था और उसने जगह चेंज कर ली थी, फिर भी तुम्हारे भाई का साउंड सेंस इतना तगड़ा है कि दूसरा नॉक नहीं होता, पहला नॉक हो जाता है। लेकिन अब देखो आपका भाई घुस के पहले का, अब यहाँ पे अपन बोलेंगे कि भाई हॉट ड्रॉप तुम्हारे भाई ने पूरा क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे हमारे अलावा एक बंदा बचा था जिसको भी मैं मार के चिकन ले लेता हूँ, तो सीधा आपको वो दिखाता हूँ। अब बंदे को ढूंढते हुए हम इधर आते हैं क्योंकि भाई ये बंदा बहुत देर से कैंपिंग कर रहा था, तो ढूंढता हुआ सीधा इधर आ जाता हूँ। और अब देखना इसको भाई किस तरीके से मारूंगा, क्योंकि भाई बंदा खौफ के मारे नीचे गिर गया। और अब ये देखो बस, जैसे मुझे बंदा दिखा तभी मेरे दिमाग में खुराफाती आइडिया आ जाता है कि अब इसको मेरे को तरीके से मारना है। तो देखो अब भाई साहब, क्या ही भाई, लास्ट वाली बुलेट इसकी अड़ गई, नहीं तो भाई मेरा काम लग जाता है यहाँ पे। अब फाइनली यहाँ पे देखो चिकन डिनर निकाल लिया अपन ने स्मूथ प्लस एक्सट्रीम के अंदर, और भाई पूरा नूसे को क्लियर करके रख दिया 12 किल के साथ में। अब ये सेकंड मैच है अपना जो कि अपन HDR के अंदर खेलते हैं, और भाई इसके अंदर होती है फाइट तो खतरनाक। तो देखना हम जैसे उतरते हैं आस पास ढेर सारे बंदे, तो देखो कैसे निपटाता हूँ। अब वहाँ पे तो यार ज़्यादा बंदे कोई आए नहीं होते, सारे बंदे इधर साइंस सेंटर पे आते हैं, तो मैं इधर आ जाता हूँ। और अब भाई साहब इधर वाली फाइट देखना, क्या ही फाइट होगी। अब जैसे ही इधर आता हूँ एक बंदे के फुट आते हैं, सबसे पहले नीचे जाता हूँ। अब जैसे यहाँ पे इसको निपटाता हूँ तभी भाई यहाँ पे बंदों के धैड़ पैड़ साउंड आने लग जाते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा अपन को बात करने का, इसलिए भाई फाइट देखना क्या नेक्स्ट लेवल फाइट होने वाली है, देखो बस। अब भाई साहब यहाँ पे जैसे तैसे करके ये वाला 1v3 करता हूँ, उसके बाद देखना यहाँ पे एक बंदा और आता है। सबसे पहले तो इस नॉक वाले बंदे को फिनिश करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे अपने टीममेट को मैं यहाँ पे रिवाइव करने आता हूँ। अब जैसे ही मेरा टीममेट यहाँ पे रिवाइव होता है तभी भाई सामने से एक बंदा और आता है जो कि इन्हीं का टीममेट होता है। अब देखो उस बंदे को, अपने टीममेट को रिवाइव देने के बजाय वो भाई बाहर चला जाता है, तो देखो अब उसको कैसे निपटाते हैं। अब जैसे इसको यहाँ पे निपटाता हूँ तभी भाई मुझे इधर से एक और बंदे का साउंड आता है, लेकिन देखो क्या होता है। अब यार वहाँ पे होता क्या है, जैसे ही मेरे को एक बंदे का साउंड आता है मैं आगे जाता हूँ, तभी भाई पीछे से एक बंदा रिकॉल होके आ जाता है, बट उसको तो जैसे जैसे मैं रिफ्लेक्स देके मार देता हूँ, लेकिन दूसरा वाले बंदे पर शॉटगन होती है तो वो मेरे को मार देता है। खैर देखो बस, आपको गेम प्ले कैसा लगा वो कमेंट करके बताना। अब बात करते हैं इसकी HDR
ग्राफिक्स की, तो भाई वो तो बहुत अच्छा चल रहा है, आपके सामने ही है, बट यहाँ कहीं ना कहीं ये फ्रेम ड्रॉप करता है। मैंने दो तीन मैच खेले थे, तो मैं आपको और भी इसके रिव्यू वगैरह दूंगा, डेली गेम प्ले अपलोड करूंगा, तो उसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन ऑल पर रखना, ताकि आपको हैंड टू हैंड नोटिफिकेशन आ जाए, और वीडियो पर लाइक भी कर देना अभी तक नहीं किया है तो। और जैसा भी आपको रिव्यू चाहिए मुझे कमेंट करके बताना, जिस टाइप का भी आपको गेम प्ले चाहिए, टीडीएम का चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बताना, लेके आऊँगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना, बोलो भारत माता की जय।